नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन अब भी पार्टी को इंडिया गठबंधन से आस बंधी हुई है। दावा किया जा रहा है कि अगर अब भी सपा को गठबंधन में 3 से 4 सीटें मिल जाती हैं तो वो अपने बाकी उम्मीदवारों के नाम वापस ले सकती है, नहीं तो मुस्लिम बहुल उन सीटों पर जहां यूपी के लोग रहते हैं वहां गठबंधन को नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उन सीटों पर नाम वापसी की अंतिम तारीख सोमवार 4 नवम्बर की है। समाजवादी पार्टी को अब भी गठबंधन से सीटों के बंटवारे को लेकर जवाब का इंतजार है। अगर बात बन जाती है तो समाजवादी पार्टी अपने बाकी उम्मीदवारों का नामांकन वापस भी ले सकती है। सपा का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए पूरे विपक्ष को मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि कम मार्जिन वाली सीटों पर नुकसान न हो सके। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के नेता इस प्रयास में जुटे हुए हैं। अगर उन्हें गठबंधन के तहत 3-4 सीटें देने पर भी सहमति बन जाती है तो बाकी सीटों पर भी वो अपने प्रत्याशियों को वापस ले सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर कर चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। पार्टी के बड़े नेता भी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए यूपी से प्रचार वाहन भी भेजे जा सकते हैं। सपा मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि वो गठबंधन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के पास महाराष्ट्र में अभी महज 2 विधायक हैं। इस बार सपा ने गठबंधन में जीती हुई 2 सीटों समेत 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा मुस्लिम और यूपी के वोटरों के सहारे चुनाव में दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जाहिर है कि एनडीए विरोधी वोट में बंटवारा हो सकता है, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होगा। महाराष्ट्र में यूपी की बड़ी आबादी रहती है, ऐसे में सपा के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या गठबंधन के माध्यम से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, या फिर जिस तरह से फिलहाल समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी अकेले के दम पर उतार दिए हैं तो आगे भी वो कोई बड़ा ऐलान करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।